ओके तो बच्चों देखो हमारा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। एंड बच्चों ये बताइए, आप जिस बच्चे ने संडे का टेस्ट दिया था, पेपर कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा सर, ठीक था सर, बढ़िया। मतलब अच्छा ठीक है, 10 से 1 क्वेश्चन हो गए थे, इससे ज्यादा ही देखो हो अगले बच्चे दो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपके माइंड में जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, आपके माइंड में टारगेट आ जाना चाहिए कि हाँ अगर आपका इजी पेपर आपको लग रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अगर आपका थोड़ा टफर एंड में जा रहा है, अगर वो टेस्ट आपके लिए टफ है तो सब बच्चों को टफ ही होता है, ये ध्यान रखना है ना, और ये सब आपको बच्चों प्रॉपरली ध्यान से समझ माना चाहिए। ओके एंड बच्चों देखो आगे बढ़ने से पहले, तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बेसिकली फिनॉल का प्रिपरेशन, कुछ बेसिक बेसिक रिएजेंट्स है ना, और उस वाले पार्ट को हम प्रॉपरली करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एसिडिटी के बारे में बताया था। मैंने बच्चा आपको ये कहा था कि बच्चा एग्जाम में कुछ भी हो जाए बच्चों, ये ऑर्थो क्रिसल पार्ट बच्चों इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, बिकॉज एग्जाम में आपको पीके और पीकेबी का वाली पूछ जाएगा। तो बच्चा मैंने क्या बोला था, जितना आपका पीकेए का वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा होगी। है ना, और जितना ज्यादा आपका पीकेए का वैल्यू बढ़ेगा उतना वो आपका कम एसिडिक होते जाएगा, इतना कम ये ऐसे ध्यान। देखूंगा। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होता है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये पार्ट को। अब बच्चा ये आपका एक जेडब्ल्यू का 2023 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और ट्राई ऐसे भी करना है कि थोड़ा दिमाग लगाना है कहाँ से क्या आपके बच्चे। देखो जैसे यहाँ पे आपको पीसीसी दे दिया गया है, ये रिएजेंट आपने पढ़ा है बच्चों, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बहुत फेमस रिएजेंट है, और दूसरा आपको दिया डाइल्यूट एनओएच। बच्चा आपको बताना कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर मुझे बताएं, और मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा नेम बच्चों ने पढ़ाया है। पीपीटी वाला है ना, इसमें तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो आईडीआई में बदल जाता है, और जो एनएओएच एकदम वाला है ये कैनिजारो है, क्या नहीं जा रहा वही अल्डोल। पक्का? अब कैसे पता चला कि कैनेजोरो की अल्डोल है, और आप आंसर कैसे बताओगे इसका? अब ध्यान रखने की बात ये बच्चों कि जब भी ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, तब आपका आंसर आएगा। कमॉन कीजिए बच्चा, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता, कमॉन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आज। अगेन बच्चों आपको एल्डोल का मैकेनिज्म आना ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाके आप एक क्वेश्चन बना पाओगे। क्या बोला याद है, पहले आपको आपने लिया है साइक्लोहेक्सैलामाइन, इसको आपने नाइट्रस एसिड ट्रीट किया तो पी बना, जब आप पी को ट्रीट करते हो पीसीसी से तो क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है, फिर क्यू लोगो क्यू को लोगे, क्यू को आप बनाओगे ऐड करोगे एनओएच के साथ तो आपका आर बनेगा, ऐसे आपको समझना है एग्जाम। कल तो बच्चों क्या आंसर आना चाहिए, तो ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गर्ल्स इतने शांत हो जाओ तो कैसे चलेगा? अरे सर, मेरा ना डाटा खत्म सुन, होने वाला है। डाटा खत्म होने वाला है? अरे बाप रे, हाँ जी सर, अगर मैं बोलूंगी ना तो जल्दी ज्यादा हो जाएगा खत्म। अब बच्चों देखो ध्यान से समझो बच्चों, बच्चों देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो जब भी हम पीस डालते हैं तो दीपिका ने क्या बोला, उसने ये बोला अगर प्राइमरी अल्कोहल तो अल्डिहाइड बनता है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है ये आपका कीटोन बनाएगा, डॉन, तो यस ये सर।
ये कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है? कीटोन वाला ग्रुप है, कीटोन दिख रहा डोन। है, कीटोन आपको दिख रहा है। अब देखो तो सेकंड अगर ग्रुप। मैं इस कम तो बच्चों आप ये सोच, आप ये बच्चों सोचोगे, आप ये सोचोगे कि ये पार्ट है ऐसा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ बनेगा। तो मतलब आप सोचो जो आपका क्यू है, क्यू क्या बच्चों, क्यू आपका ये ही है, क्योंकि हर ऑप्शन देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है। और एल्डोल में क्या चाहिए बच्चों, एल्डोल में हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, सॉरी यहाँ पे साइक्लोक्स है, साइक्लोक्सोन है, कार्बन उसमें बेंजीन नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपका अल्फा का, ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा कार्बन यहाँ पर है, तो उसके पास आपके क्या, इसके पास दो एच भी है, तो क्या बच्चों ये आपका एल्डोल करेगा। कैसे करें ध्यान दो, इसका दो मोल आता है, हम लेते हैं, हम इसका टू मोल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका टू मोल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। अब क्या बचोगा, अब बेस आएगा, बेस एच प्लस निकालेगा कहां से बचो, अल्फा से, यहां से निकाला तो यहां पे आ गया नेगेटिव, तो मतलब ये थोड़ा न्यूक्लियोफाइल जैसे बन गया। अब क्या बचो बचोगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक मारेगा पॉजिटिव पे, तो क्या बच्चों बनेगा, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका बॉन्ड बना, यहाँ पे आपका बॉन्ड, और यहाँ पे आपका एक ऐसा बना साइक्लोजन, यहाँ पे आपका ओ माइनस है, क्या बचोगा, रिएक्शन एच प्लस होगा तो क्या बनेगा, ओ एच बन जाएगा, तो क्या बना, ये आपका एल्डोल बन गया। ये पार्ट है, ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन, उसके बाजुअल कार्बन है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, अल्फा से एच जाता है, बीटा से ओ जाता है, तो उसके पास क्या बच्चों, इसके पास अभी भी एक एच है, बिकॉज पहले दोस्त था ना, एक एच भी है, तो क्या होगा, इसको हीट करो तो क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा, और क्या बचोगा, हटाओ इसको और यहाँ बनाओ डबल बॉन्ड। तो ऐसा अभी आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपको ऐसे कर दो, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसा बनाओ, तो आपका ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन समझ रहे हो। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप एग्जाम में थोड़ा दिमाग चले तो आपको आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब देखो यह देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे भी आप, अब बच्चों देखो ये बात ध्यान रखना, जब भी आपका एल्डोल ले आएगा तो क्या करना, देखो आपको होना चाहिए आपका जहां भी आपका ये पार्ट है ना, जहां भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाजू वाला कार्बन मतलब कि अल्फा कार्बन, और उसके बाजू मतलब ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका गामा और ये है, उसमें ऐसा तो होता ही नहीं है, एल्डोल में क्या होता है, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बनता है, तो कहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, आप बोलो खाली एक ही बार, तो आपको ऑप्शन दिया गया। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, सबको समझ में आया हमने कैसे किया सारे बच्चे? यस सर। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चों ये क्वेश्चन में ना जब पढ़ोगे तो इसका आंसर जो बच्चों ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका जो आंसर वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ आपको, कम ऑन बच्चा, पोल लॉन्च कर रहा हूँ मैं, सारे बच्चे नोटिंग कीजिए, हो गया सर बच्चा पोल। पहले पोल लॉन्च हो गया, बच्चा पोल लॉन्च हो गया। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। कौन बच्चों, कमॉन, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कमॉन कीजिए। अगेन बच्चे बोल रहा हूं, जो पार्ट है हर एक पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, जब 13 चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने ये पार्ट पढ़ा होगा, बिकॉज जब मैं आपको 13 रिवाइज कर रहा था, राइट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट के बारे में, तब भी आपको पढ़ा होगा। मैं बच्चा बोलूंगा आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, समझिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, कम ऑन।
अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में आपका आंसर है। लास्ट 1 मिनट बच्चों, कम ऑन। चलिए बच्चा, मैं ये देख रहा हूं कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन ट्राई तो कीजिए। सिर्फ 3 या 4 बच्चे वो डालते हैं, तो कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे? आप हर एक चीज को समझिए। बोला ऑरिंगम बोर्ड, जो जो कि आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब क्या बच्चों? कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है? आप बोलोगे कायरल कंपाउंड जो होते हैं, जो भी हमारे कायरल कंपाउंड क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली दूसरा क्या बच्चों? जब मैं कंपाउंड रोटेट कर रहा हूं, पीएच एसोसिएल, ये क्या है? ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट में कौन, ये क्या क्यूज क्या होता है? ये आपका बेस है। कौन सा बेस सॉल्युबल बच्चों? आप बोलोगे प्राइमरी अल्कोहल बेस में सॉल्युबल है। तो ये प्राइमरी नहीं है, ये भी प्राइमरी नहीं है, बी और डी दोनों प्राइमरी है, पर हमारा मॉलिक्यूल कार्बन होना चाहिए। कार्बन मतलब क्या सोचो? कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। देखो ये कार्बन सोचो, NH2 एक अलग ग्रुप है, मिथाइल एक अलग ग्रुप है, इथाइल एक अलग ग्रुप है, पर हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। तो क्या आंसर आया? ऑप्शन बी आ गया। बच्चा आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर आप देखो रॉन्ग आंसर दो चलेगा, मैटर नहीं करता, लेकिन आप ऑप्शन टिक तो कीजिए, क्लिक तो कीजिए उसको। खाली थियोरी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा, उसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए प्लीज, मैं जो बता रहा आपको, एटलीस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ ट्राई कीजिए। और रॉन्ग आंसर है चलता, वो मैटर नहीं करता, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। अगर मैं प्राइमरी अमाइन को क्या डालूँ, तो क्या बच्चों क्या होगा? इसका एच चला जाएगा, है ना? इसका 2 NH, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका 2 NH है, तो क्या होगा? एक एच सी हर जगह, और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन सल्फर का बॉन्ड बनेगा। एक एच भी है, तो एच प्लस निकल क्या होगा, ये आप एच बन जाएगा, तो आपका बेस सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी तो क्या होगा? सेकेंडरी में एक ही एच होता है, तो ये एक एच बार एसएल बना देगा, उसका एच नहीं होगा, तो क्या होगा? सेकेंडरी में क्या होगा, ये आपका बेस में सॉल्युबल नहीं होगा सेकेंडरी में। ये आपका हाइजर पड़ता था, और टर्शियरी तो रिएक्ट नहीं करता, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं है। हो गया आपका आंसर। चलिए अब बच्चों देखो, बच्चा ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डो प्रोसेस के बारे में, है ना? तो क्या इसमें बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे क्लोरोबेंजीन को बेस में डाल के, अगेन रिंग पता होना चाहिए, टेम्परेचर हाई, अब हाई बार प्रेशर, तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका फिनॉल फॉर्म करेगा। सेम बच्चों, अगर आपने बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, टेम्परेचर हाई है, बेस डाला है, तो फिनॉल बनेगा। बच्चा एनिल में कैसे करेंगे? देखो एनिल लिया आपने, डायजोनियम सॉल्ट बनाया, ये डालकर कम टेम्परेचर पे N2 पॉजिटिव सीएल नेगेटिव बना, N2 पॉजिटिव सीएल नेगेटिव बना, क्या बना? ये आपका अगेन फिनॉल बना, वो डाल के फिनॉल बनाया।
वो डाल के इसको फिनोल बनाया। बन गया आपका आंसर, समझ रहे हैं, है ना? हो गया, इतने पार्ट है। अब देखो ये आ जाता आपका क्यूमिन, ये बच्चा, ये आपका आयरन पार्ट है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ भी चुका है। हमारे आंसर में क्या दिया बच्चे, देखो हमें क्यूमिन से इतना दिया गया और इतना बार एक्स्ट्रा दिया है। देखो बच्चों, तो बेंजीन से हम क्यूमिन कैसे बनाते हैं, बेंजीन लेंगे और प्रोपीन लेंगे, H3PO4 और टेम्परेचर। तो बच्चों क्या हुआ, ये आपका क्यूमिन बना, क्यूमिन से फिर फिनॉल। तो बच्चों ये आपका काफी ज्यादा IMP रिएजेंट है, नोट कीजिए, बिकॉज NCERT में आपका खाली क्यूमिन से लेके आपका फिनॉल है, इनिशियल पार्ट नहीं है। तो इनिशियल पार्ट के ऊपर नोट कीजिए, हम कैसे बनाएंगे क्यूमिन, क्या बच्चों आप बोलोगे, आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ये आपका क्यूमिन है। देखो CH3CH और CH3, क्या होता है ये, देखो ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, और आप नीचे बेंजीन, तो क्या ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। ऑक्सीडाइड किया, क्या बना, पर ऑक्साइड का ब्लिंकेज बन गया। अगेन बच्चों एसिड लाते, क्या हुआ ना, क्या हुआ, आप बोलोगे ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा, दैट इज CH3COCH बन गया, एस्ट्रोमर का आपका फिनोल बन गया। तो बच्चा क्या बोलूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट डाउन करो अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से क्यों बना वो भी नोट डाउन करो, H3PO3 और आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कीजिए बच्चा, कौन बच्चों, कम ऑन, इतना शांत शांत चल रहा है भाई, गर्ल्स क्या चल रहा है आपके माइंड में? नहीं नहीं, कुछ खाना वाना खाया कि नहीं खाया है? खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है, सच बताया ना तो खाया नहीं, दिन तो खा लो, कोई बात नहीं, खा लो। खाया था। वैसे भी कैमरा ऑफ ही है ना, तो कोई बात नहीं, आप नाश्ता कर करके भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं तो आपको छूट दे रहा हूँ, लेकिन आप यस से नो, हंसो, रिएक्शन कुछ तो करो, एकदम बेखली खेल जो मुझे लगा, हेलो सर, नहीं तो मुझे ऐसा लगे मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। मैं देखो मैं तीन चार लोग नहीं बोल रहा, मैं सारे बच्चे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोला कि पूरा ग्रुप का बेटा सानवी ने लिया, दीपिका ने, साइना ने, मुस्कान ने, जिया ने लिया, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सुमन है, फिर तन्वी है, आंचल है, अंकिता, साक्षी है, मधु, बहुत सारे बच्चे, सबको पार्टिसिपेट करना, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, ये मैं कह रहा हूँ आपको, तो सारे बच्चों पार्टिसिपेट करना, ऐसा नहीं कि पूरे ग्रुप का बेटा खाली तीन चार बच्चे लिए, ऐसा नहीं है ना, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ पढ़े चला जाऊँ फिर क्या समझ में आ गया आपको। सर आपको पता है बूट कैंप कैंसिल हो गया? कैंसल जी सर, हो गया सर, कैंसिल। क्या बात, दीपिका क्यों कैंसिल हुआ? अरे यार वो ना पता नहीं क्यों हुआ पर हो गया। बहुत कम बच्चे जा रहे होंगे ना, इसीलिए सर ने सोचा कि ऑनलाइन नहीं कर रख सकते। नहीं मैं नहीं जा रही ऑफलाइन थी ना, तब कैंसिल हुआ वो। हाँ जा ठीक हुआ भी सर, नहीं रही थी, लेकिन ऑनलाइन कैसे होगा ये? सच में कैंसिल हो गया? यस सर, यस ऑनलाइन ही होगा, 6 से 8 घंटे पढ़ाई। कितना 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 घंटा पढ़ाई बोले? हाँ 6 to 8 hours। हो सकता है, छुट्टी में तो हो सकता है। यस सर, छुट्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको। बट सर मैं 11 तारीख को नहीं आ सकती क्लास में। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे अब सारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगेन, अगर आपको रिएक्शन करवाना है बच्चों, अगर आपको फिनोल से बेंजीन बनाना है, तो क्या आपको बच्चों वहां पे आपको जिंक डस्ट, दीपिका बी लाइक, ठीक है अरे सर इधर ही हो ना, सर, थोड़ा नीचे करना एक बार प्लीज। क्या वो नीचे मतलब रोडा नहीं किया क्या?
अरे सर वो ना मेरे को पता नहीं क्या कर रही थी, रुक जा। मुस्कान दिया जिया रजनीश सारे बच्चे नोट डाउन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? चलो सर आ गए हम। ओके हो गया दीपिका? हाँ जी सर। ओके सर बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस साल पार्ट में फिनोल से बेंजीमन। तो क्या बच्चे करेंगे देखो, अगर हम यहाँ पे हम जिंक डस्ट ऐड करें तो क्या होगा, ये आपको फिनोल से बेंजीन बनेगा। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है इसका रिएजेंट, रिएजेंट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करना इसको। तो दूसरा एक्शन क्या बच्चों, देखो आपको लिखा, अगर आपको फिनोल से बनाना एनिसोल, एनिसोल क्या बच्चों, ये आप इथर ग्रुप है आर ओ आर है ना, तो आपको यहाँ पे पहले बेस डालना पड़ेगा। बेस क्या करेगा बच्चों, अगर ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखो ये आपका एच प्लस होगा और ये आपका नेगेटिव होगा है ना। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका सोड, यहाँ पे आपका सोडियम फिनोक्साइड बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका आटा है तो क्या सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अगेन बच्चों फिर हम डालेंगे यहाँ पे डालेंगे मिथाइल आयोडाइड, तो क्या बच्चों का अगेन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या होगा नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा OCH3, तो ये आपका बन गया एनिसो। ठीक है ना, तो एग्जाम में बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ये बच्चा एग्जाम में फील्ड क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका इथर्स बनने काम आता है। और हम इथर कैसे बनाते हैं बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस मेथड, राइट। तो बच्चों दोनों दोनों क्वेश्चन पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। सच में नहीं हो रहा है क्या, क्या वैसे मस्ती कर क्या रही? सर, क्या सच में नहीं क्या हो रहा सर, बोट कैम। क्या? अरे सर कसम से, भगवान कसम, नहीं हो रहा है सर। आपने देखा नहीं वो एक्स्ट्रा क्लास वाले ग्रुप पे वो बूट कैंप वाले बच्चे ज्वाइन करो ऐसे लिखा था? ऐसे तो सर थोड़ी लिखा था, पर बोला था ना कि बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। गजब भाई गजब, क्या बोल। नहीं बात चला रहा था। ओ अंदर ही अंदर बोल रहे होंगे किस्मती खराब है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे कभी ना कभी तो आ जाएंगे। सर आ जाओ चलते तब घूमने एक ही साथ। चले बच्चे अब बच्चा में ना दूसरे एक्शन पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं, लेकिन बच्चों ये नई मेंशन जो कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, लेकिन बच्चों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट बात क्यों, देखो बच्चे देखो यहाँ पे क्या स्कॉटिश बच्चों, रिएक्शन ये आपका शुड बोमन रिएक्शन है बच्चों। अगेन हमने यहाँ पे फिनॉल लिया है, फिनॉल हमने क्या डाला बच्चों, हमने डाला एसिटाइल डाला पार्ट, तो क्या बना ये आपका फिनॉल इथनॉल बना रहा है। स्ट्रक्चर के साथ एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं है ना, ये क्या बच्चों ये आपका फिनॉल है प्लस CH3COCl। अब यहाँ पे क्या डाला बच्चों, बेस डाला है। बेस का काम क्या बच्चों होता है बताओ, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है एच प्लस निकालना, निकालना, और निकाले OH का ये निकालेगा, यहाँ सीएल जाएगा, ये पॉजिटिव होता है ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा ओ, ठीक है ना। सी मतलब कि देखो कार्बन पट्टा करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे आएगा CH3, तो क्या बना ये आपका फिनाइल इथ, मतलब ये आपका एस्टर बना रहा है, RCOOR बना, तो ये आपका एस्टर बना रहा है एस्टर, तो ये बना आपका फिनाइल इथेनोइड। फिनाइल कैसे बच्चो, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, इथेनोइड कहाँ से बच्चो, एक दो दो कार्बन इथ, नोट क्यों बचाया देखो, बिकॉज नोट आया इसकी वजह से, एस्टर सर वजह से, इसके साथ आपका नोट आ गया, तो ये आपका है
नेम रिएक्शन। अगले बच्चों, एग्जाम में पार्ट नहीं दिया गया, खासकर बच्चों ये पार्ट, इसको बच्चों ध्यान से प्रॉपरली नोटडाउन कीजिए। क्या बना यहाँ पे आपका, फिनाइल बेंजोएट बना रहे हैं, मतलब बच्चों ये बच्चों ऐसा है, देखो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ पी एच, मतलब कि दोनों साइड आपका बेंजीन रिंग है और बीच में आपका ये पार्ट, मतलब कि आपका बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो बच्चों एग्जाम क्या होगा ना, एग्जाम में आपको ऐसे दे देंगे, आपको फिनोल डाल दिया और यहाँ पे ऐसा दे देंगे, ये आपको बोलेंगे ये क्या, ये आपका है बेंजोइक क्लोराइड वाला पार्ट, समझे बच्चों, ऐसे हो जाएगा। बेस क्या होगा, ये एच और ये आपका सी एल निकल जाएगा और आपका ग्रुप बना के पूरा दो ग्रुप कंबाइन कर जाएगा, तो बनाएगा फिनाइल बेंजोइड बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ के करना, ये बच्चा है एक आई एम ठीक पी रिएक्शन, अच्छे से उन्होंने करना इसे पार्ट को। जिया, मुस्कान, रजनीश, सुमन, गुंजन, अंकिता, सारे बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे ये पार्ट? यस सर। ओके, बात बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके okay। ओके फाइन, नोट करो बच्चों, कम ऑन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन बच्चों बोलो, अगेन बोल रहा हूँ, आपको नेम रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार समझना है प्रॉपरली। चलो कोई नहीं, अब तो हम आपको है ना पूरा 24 तक पढ़ाएंगे, तो जेडब्ल्यू एग्जाम तो आपको पूरा खींच के निकालेंगे। और हाँ, सुबह सुबह बच्चा आया करो क्लास के अंदर, जो उस ग्रुप में है ऑलरेडी, ठीक है ना, प्रीवियस से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से। हमको डन सारे बच्चे, यस चलिए बहुत सर। बढ़िया, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, देखो अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और रिडक्शन कर रहे हैं बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आई गेस ये क्वेश्चन आपको जे पूछ भी चुके हैं, किसी को याद है कि या मुझे याद आइडिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी जे में आया है। जे में क्या बचाया था, तो ये आ गया था Na2Cr2, मतलब कि पोटेशियम सोडियम डाइक्रो मिला गया था, वो कहता बचा रहेगा फिनॉल से, ये आपको फिनॉल दिया है, फिनॉल से बने आपका ये बेंजो क्विनोन बनाता है। बच्चा आपको एग्जाम में 1.4 बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्या कर बच्चों, हम यहाँ पे फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिड, तो हमारा 1.4 बेंजीन। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको पता होना चाहिए, और इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन भी आने वाले हैं। दूसरा पार्ट के बच्चों, फिनॉल है, अगर मैं फिनॉल में करता हूँ निकल डालता, मतलब कि मेटल डाला और मैंने उसका हाइड्रोजनेशन कराया, टेम्परेचर का 160, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे जो आपका बेंजीन क्या बचेगा, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, किसमें बचो, साइक्लो हेक्सोन, साइक्लो साइक्लो बेंजीन, साइक्लो हेक्साल, साइक्लो हेक्सोन ग्रुप, ठीक है ना। बोल क्या, यहाँ पे आपका जो जो भी आपका डबल बॉन्ड, वो आपका सिंगल बॉन्ड में, मतलब वहां पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, मतलब भी आपका एरोमेटिक से आपका क्या बना है, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन बच्चों ये रिएजेंट, ये रिएजेंट बच्चा आईएमपी है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नोट डाउन करना अच्छे से, रिएजेंट से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, समझ ले इसको। कोई दिक्कत बच्चों एस एल पार्ट के अंदर, नो सर। नोट करने दो सर। नोट कर लो सारे बच्चे। अगेन
ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी रिएक्शन से बच्चों। अब बच्चों दो दूसरा रिएक्शन ये बच्चों देखो, जहां पे हम खाली करते हैं हम यहाँ पहले अनुग्रुप ऐड करते हैं, इससे हम बोलते हैं नाइट्रोशन, नाइट्रो नाइट्रोसेशन। ओके फिनोल लिया, अगेन बच्चों एच एन ओ टू लिया है, अगेन बच्चों ध्यान रखना एच एन ओ थ्री नहीं लिया है, यहाँ पे अपना एच एन ओ टू लिया, क्या बना बच्चों पैरा नाइट्रोफिनोल बना है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, नाइट्रोसोफिनोल देखो बच्चों यहाँ पे आपका एनओ ग्रुप आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगेन बच्चों ये भी आपका एनसेट नहीं दिया, ध्यान से पढ़िए, बिकॉज कुछ क्वेश्चन आपको बाहर आने चांस हो सकते हैं, इसलिए समझ समझ कीजिए प्रॉपरली। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अगेन बच्चों दो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे उन्होंने किया नाइट्रेशन, लेकिन बच्चों यहाँ पे रिएजेंट अलग है, अगर आप यहाँ पे 20% नाइट्रेशन डालते हो और आपका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, तो क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रो बनेगा। इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है कि पैरा नाइट्रो ज्यादा बन रहा है, और सॉरी ऑर्थो आपका ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम्पल अगर आपको ये डालेंगे, ये भी क्या करता है बच्चों, ये भी आपका नाइट्रेशन करता है, अगर आप कॉन्सेंट H2SO4 डालोगे और एच तो क्या होगा, ये आपका नाइट्रेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे करेगा बच्चों अगेन ऑर्थो पैरा और अगेन ऑर्थो पे करेगा, मतलब कि आपका ट्राइड डालेगा, देखिए बच्चों ये आपका है ठीक है पिक्रिक सर। एसिड, आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें आपका कार्बोक्सी ग्रुप हाँ नहीं आएगा, तो सर ये ये आंसर आ सकता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ देते आपको कभी कभी, तो बच्चों ध्यान से समझ के करना इस वाले पार्ट को, सिंपल हो गया पार्ट, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना तो चीजों को ध्यान से समझो, बन जाएगा आपका आंसर, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, खास से बच्चों रीजन ध्यान रखो, कौन सा रीजन लेने से मैं क्या कर रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, सानी ये बता तेरे पास चलिए पेंसिल आगे कौन बढ़ते सी हैं। है। चल रुक जाओ, आप मेरे पास अलग अलग बूम बूम की है। मेरे को भी दे दे, पार्सल करा दे। ठीक हाँ, छोटे नुडंगो सारे बच्चे यहाँ पर बातें नहीं, बोल दो रुक जाओ सर। अरे बोला तो था ना सर। बाकी सारे बच्चे आप लोग का भी, आप बच्चा आप लोग आप सारे बच्चों का माइक है, ऐश्वर्या साजिया सकीना सुमन तन्वी जिया नीति गुंजन, आप भी अपने माइक का अरे इस्तेमाल कीजिए। यस मतलब अरे यस सर नहीं बोलना है, मतलब कि और भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, और हाँ भी समझ बहुत गया कुछ सर, है, वही बोल दे। ऐसा मतलब कुछ भी। है सर। हाँ जी समझ गए सर। चलो कितना लंबा बोल रहा पता है आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहा है यस सही जा रहा है सर। सही जा रहा है। चलिए बन गया दिन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों यहाँ पे अगेन बच्चों क्या बच्चों अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन इशू है, फर्क क्या बच्चों देखो, यहाँ देखो अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ पे लिया ब्रोमीन वाटर लिया है, ब्रोमीन वाटर क्या लिया तो क्या होगा आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे आकर अटैक कर जाएगा, इतना पार्ट है, और वाटर क्या बच्चों ये आपका है पोलार सॉल्वेंट, ये आपका पोलार सॉल्वेंट है, अगर आपने डाला ब्रोमिनेशन इन टर्म्स ऑफ CCl4 या तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका नॉन पोलार वाला पार्ट है, तो क्या बचेगा ये आपका ऑर्थो या तो ऑर्थो देगा या तो पैरा देगा,
अगर आपको सिंगल ब्रोमिशन करना है तो आपको CCl4 या तो CH2L लेना पड़ेगा। अगर आपको तीन चीजें करना है एक साथ तो आपको वाटर लेना पड़ेगा। अगेन BR2। बच्चों, हाँ, Br2 ब्रोमीन वाटर लेना पड़ेगा। ये रीजन पता होना चाहिए कब लेंगे, कौन सा रीजन ले से आपका आप खाली मोनो ब्रोमिशन होगा, ये ध्यान रखना आपको। ये आपका हैलोजन पार्ट है, सिंपल है ना। अब बच्चों आगे बोल रहा हूँ, एग्जाम है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, कोलबे रिएक्शन, रामन टर्म रिएक्शन, बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आगे मुझसे बोलो बच्चों, बोल रहा हूँ रीजंस को आप बार बार रिवाइज करते ना और प्रोडक्ट को बार बार रिवाइज करते ना, तो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों, ये दोनों आपका नेम रिएक्शन है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में, अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आने का है, चांस अच्छा है। कौन सा बच्चों, कोलबे स्मिथ रिएक्शन या तो आपका रामन टर्म रिएक्शन। कोलबे में आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है और रामन टर्म में आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, ओके एल्डिहाइड और रियल पार्ट। आपको ध्यान क्या रखना बच्चों कि रिमेडी के लिए किस करते हैं हम, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और आपका एक्वस बेस यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका कार्बिन फॉर्म होता है। ये आपका कार्बिन है, ठीक है, ये आपका कार्बिन है। और कार्बिन कैसे बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है कार्बिन, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो ऑर्थो पे आपका एल्डिहाइड आएगा, कोलवे में कार्बोक्सिक एसिड आएगा, सीडब्ल्यू ग्रुप आ जाएगा। इतना ध्यान रखोगे तो आपका आंसर सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या। बोर्ड एग्जाम में और जेई में बच्चों हॉट फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको फिर पता होना चाहिए, और ये हमने बार बार रिवाइज भी किया जब हम नियम से पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था JEE के अंदर 2023 के अंदर। अब पूछा पता क्या था बच्चों, पूछा ये था कि आप फिनोफ्थलिन कैसे बनाओगे। तो बच्चों ये अगेन बच्चों मैंने रेफरेंस बुक से मैंने ये पार्ट लिया है। तो हम क्या लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं फिनॉल बच्चों। और एक बात है, फिनॉल को हम कभी कभी मतलब क्या बोल सकते हैं, हम फिनॉल को कार्बोलिक हम कभी कभी इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। और हम क्या लेंगे बच्चों, हम लेंगे हम यहाँ पे लेंगे फिनाथालिक एनहाइड्राइड। थालिक मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे हमने बेंजीन लिया। देखो जैसे आपको पता होगा थालिक एसिड के बारे में क्या होता है बच्चों, होता बच्चों होता है, ये ऐसा होता है TWH, COOH दोबारा आता है और COOH। ये आता है थालिक एसिड होता है। अब करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो क्या होगा, वाटर बाहर चला जाएगा। कहाँ से जाएगा, ये यहां से वाटर छोड़ देगा, बराबर है, ये होगा। अब बचका दो बच्चों, दो आपका ये क्या, यहाँ पे अगेन बच्चों क्या बचोगा, अगेन आपका यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा है ना, और ये आपका बन जाएगा थालिक, ये आपका थालिक एनहाइड बन, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल गया, तो क्या बना आपका, बना थालिक एसिड बना। हम 2 मोल फिनॉल लेंगे और 1 मोल थालिक एनहाइड डालेंगे, तो बच क्या होगा, आप ये बोलोगे जो ये पोजीशन है, या तो ये पोजीशन या तो ये पोजीशन, क्या बचेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिनॉल को ऐड करेंगे, दोनों फिनॉल को ऐड करेंगे हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा, ये आपका फिनॉफ्थलिन बनेगा। बच्चों कुछ हार्ड नहीं है, टच इजी है, समझ के डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। हम यहाँ पे फिनॉफ्थलिन बना रहे और ये क्वेश्चन बच्चा पूछा गया, बनाना बनाना कैसे है ऐसा बोल रहे हो। कैसे ना ये स्ट्रक्चर तो देखो आप एक बार।
यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिया, ये ऑक्सीजन हटा दिया, दूसरा जिला दूसरा आपको यहाँ पे बॉन्ड कर दिया, और आपको फिनोल आ गया, खत्म, सिंपल। नहीं सर, देखो तो इतनी डरावनी सी है, ऐसा लगता है। क्या बोल रही है दीपिका, चैट बॉक्स में कुछ टाइप कर नहीं दो बेटा, सर, चैट बॉक्स कुछ में टाइप कर नहीं, दो। आगे समय। अच्छा नहीं, मैं कुछ गलत बता रहा होगा तो वही पूछ सकते हो, कुछ गलत तो नहीं बना रहा मैं ना, कुछ गलत तो नहीं बना रहा मैं, चेक कर लो भाई। नहीं सही तो लग रहा है मुझे, क्या दिक्कत है, सही है सर। सही। तो ये आपका फिनोफ्रेन। अगेन बच्चों, इस बार तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, खाली ये बात ध्यान रखना, फिनोल का हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं, ये भी ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। सेम क्वेश्चन पूछे तो नहीं, लेकिन ध्यान रख सकते हो। ओके अब बच्चों, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आता है, विलियमसन सिंथेसिस क्या बनाते बच्चों, हम यहाँ पे बनाते हैं इथर, बनाते हैं सिमेट्रिक भी एसिमेट्रिक भी। अब सिमेट्रिक इथर क्या बचोगा, अगर आपका आर ओ आर यहाँ पे आपको दिखाई दे, अगर दोनों सेम है तो सिमेट्रिक है, अगर अलग अलग है तो एसिमेट्रिक है। कैसे बच्चा बनाते बच्चों, हम यहाँ पर लेते हैं अल्काइल हलाइड। अब बच्चों हमें देना, जो भी हम यहाँ पे अल्काइल कैसे होना चाहिए बच्चों, वो आपका होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए, आपका अल्काइल प्राइमरी होना चाहिए। फिर क्या लेंगे बच्चों, लेंगे हम यहाँ पे लेंगे अल्कोऑक्साइड। बच्चों आपका अल्कोऑक्साइड प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, कोई आपको दिक्कत दिलवाती है वो चलेगा जैसे हो लगे, लेकिन आपका आरएक्स प्राइमरी होना चाहिए। क्या बच्चों ध्यान दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये एक्स बाहर जाएगा नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। अब क्या बच्चों, ये यहाँ पे क्या अटैक है, तो क्या बना, ये आपका बनेगा आर ओ ओ आर आर अच्छा डैश डैश बनेगा, तो ये आपका बनेगा इधर इधर अच्छा इथर बनेगा। और ये कैसे बच्चों, ये आपका एसएन टू अटैक हो रहा है यहाँ पर, ये आपका एसएन टू रिएक्शन बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके ये आपको ध्यान रखना यस। जी। अब बच्चों कुछ ध्यान, यहाँ पे देखो जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, देखो अभी ये दोनों रेशे में दो चीज अलग अलग दिख रहा है, देखो ये आपका सॉल्ट है, ये आपका अल्कोऑक्साइड है, मतलब कि आपका सॉल्ट है, और ये क्या बच्चों, ये आपका आरएक्स है, जो कि बच्चों जो कि आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल वाला पार्ट है सीएच टू बी आर। अब ये क्या है बच्चों, देखो ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपने टर्शरी तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका अल्किन बन जाएगा, क्यों बच्चों, ये जो पार्ट है ये क्या बने बचेगा, ये आपका बनेगा अल्कोऑक्साइड, ये क्या होगा, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा एच प्लस निकालेगा, तो मान के चलो यहाँ पे इन तीनों में एच प्लस हाइड्रोजन है, एच प्लस तो क्या बना सी एच टू नेगेटिव बन गया। फिर क्या बचेगा, सेकेंड स्टेप में आपका बी आर बाहर चल जाएगा, बी आर नेगेटिव और यहाँ पे आपका कार्बन पॉजिटिव, अब क्या बचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनकर यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। तो बच्चा आपको ये कंपल्सरी होना चाहिए, आप जो भी आर एक्स लोकेशन होना चाहिए वो आपका मिथाइल होना चाहिए, मतलब कि या तो मिथाइल रेडिकल होना चाहिए या तो प्राइमरी होना चाहिए, तभी आपका बनेगा, नहीं तो आपका अल्किन बन जाएगा जैसे ये पार्ट है। अगेन बच्चों ये दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इट इज बिकॉज अल्कोऑक्साइड नॉट ओनली न्यूक्लियोफिलिक, वो न्यूक्लियोफाइल भी है लेकिन वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एच प्लस निकाल देगा और यहाँ पे ठीक आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है पहला पार्ट। अब बच्चों यहां से जेडब्ल्यू क्वेश्चन भी आया, अभी मैं आपको दिखाता हूं। बच्चों 10
अप्रैल का पेपर है, सॉरी हाँ 10 अप्रैल पेपर है, पता 10 है कहाँ पता नहीं, आईडिया नहीं, अप्रैल का पेपर है ठीक है, इस साल का 23 का। बोला क्या, सुटेबल रिएक्शन पेपर फॉर द मिथाइल फिनाइल इथर। मिथाइल फिनाइल इथर क्या होता है, ये तो आपका हो गया फिनाइल, इथर आ गया और यहाँ पे आ गया मिथाइल आ गया। तो बोला कि अच्छा ये हम कैसे बनाएंगे, ये चार ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन में से ये मैं कैसे बनाऊंगा। और बच्चों हमने इस रिएक्शन को हमने दो बार पढ़ा, ये क्या, ये तो एनिसोल है ना, ये तो यस एनिसोल है, सर, तो हमने दो बार ये पढ़ लिया। अब मैं चाहता हूँ इसका आंसर मुझे बताओ कैसा है, क्या आंसर इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है। इथर कैसे बनाते हैं, एक कैसे बच्चों, एक हमें सॉल्ट चाहिए, एल्कोऑक्साइड चाहिए, एल्कोऑक्साइड चाहिए तो फिनोक्साइड चाहिए, प्लस कैसे बच्चों हमें एक आरएच चाहिए, बनेगा बता कैसे बने, कौन सा ऑप्शन आएगा। ऐश्वर्य बताओ क्या आंसर आएगा इसका, मुस्कान, जिया, चैट बॉक्स में बताइए, सुमन, अंकिता, नीति। यार बच्चे लोग की स्ट्रेंथ तो इतनी कम हो रही है, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा। ऑप्शन सी लग रहा है मेरे को भी। अच्छा अच्छा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे फिनॉल है और बनना कैसे बनाएंगे, पहले इसको सॉल्ट बना, ये क्या सॉल्ट बना, फिनोक्साइड है, ये आपका आर एक्स है, आर क्या है, मान के चलो आपने ये लिए पार्ट लिया CH3Bl, तो क्या होगा, ये Br जाएगा, इसे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव अटैक कर देगा, तो क्या इनिशियल बन गया सिंपल। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कैसे आपको बन रहा है, आप देखो आप सारे कुछ खुद देखिए कि क्वेश्चन आ रहा है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है पार्ट को, है ना। अब देखो बच्चों दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट बच्चों ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो बोला गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। अब यहाँ पे होता क्या बच्चों, हम यहाँ पे इथर लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे आर ओ आर लेते हैं, और क्या लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन आयन लेते हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, ये आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, अच्छा ये आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, एच प्लस जल्दी रिलीज कर देगा, साइज बड़ा आयोडीन का, तो क्या होगा एच पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगा अगर मान चलो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, ओ के पास एच जाएगा, आर के पास आई जाएगा। यहाँ पे समझने बात क्या बच्चों, समझने बात ये है कि आपको कैसे पता चला आप बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करोगे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप है ना। अब बच्चों मान के चलो अगर मैं ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, ऐसा बनेगा। बच्चों हमेशा हमको स्टेबल बनाना है, सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं आपको ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका है प्राइमरी कार्बोटाइन। तो बच्चों क्या होगा जब भी आपका ऐसा कुछ आपको ग्रुप दिखाई दे तो बच्चे क्या होगा, आपको हमेशा आपको यहाँ पे हमेशा बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, तो क्या ये आप ये आपका मिथाइल मिथाइल आयोडोमिथेन बनेगा। दूसरा क्या हो चुका, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या होगा यहाँ पे आपका एच आएगा, यहाँ पे आई आएगा, तो ये आपका बन जाएगा सेम। बच्चों देखो अगर आपका मिथॉक्सी बेंजीन है, मतलब क्या बच्चों एनिसोली है ना, ये तो एनिसोली है, तो क्या देखो ये देखो अगर बच्चों कैसे कैसे ये आप बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या बना फिनॉल और आपका ये आइडोमिथेन आइडोमिथेन। बन गया। अब बच्चा देखो जो हमारा एनसीईआरटी पार्ट है,
और एक कैसा फॉलो करना चाहिए आपका, SN1 रिएक्शन फॉलो करता है अगर आपका ये टर्शियरी है तो, ऊपर अगर टर्शियरी है तो ये आपका SN1 करेगा, अगर प्राइमरी तो ये आपका SN2 करेगा। ठीक अब बच्चों ये पार्ट आपको समझो, ये आपका हमारा पार्ट है NCERT का क्वेश्चन, आइए बच्चों IMP है। अब देखो अगेन बच्चों को ये पार्ट है ना। अब बच्चा ऐड, अब मेन बात तो जो आपको पता करना चाहिए कि मेरा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा या मेरा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, किस साइड से ब्रेक होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या, बच्चों देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। अब ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी, लेकिन बच्चों ये आपका बल्की ग्रुप है, तो क्या होगा आपका आई माइनस, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो आपका आ नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए बच्चों, आई माइनस क्या चाहिए, जहां पे आपका छोटा ग्रुप है, जहां पे आपका स्मॉल ग्रुप है वो आना चाहिए, जहां उसको थोड़ा सा छोटा दिखे वहां पे अटैक करेगा, बड़े वाले पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे आई नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एच जाएगा, एच छोटा होता है, समझे बच्चों। तो बिकॉज ऑफ आई में साइज बड़ा है तो ये आपका स्मॉल ग्रुप के साथ जाएगा, कहाँ पे जहाँ छोटा ग्रुप होगा वहां पे अटैक करेगा। अब देखो जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है कार्बोटाइन। अगर मैं यहां से ब्रेक करूं तो क्या बच्चों, तो यहाँ पे बने कार्बोटाइन, ये बने नेगेटिव, तो कार्बोटाइन स्टेबल है तो तब जाके आयोडीन यहाँ पे आ गया। तो ये कैसे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका SN1 रिएक्शन हो जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग पार्ट है। और यहाँ पे कैसे बच्चों, बच्चों यहाँ पे आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आई मैस आकर यहाँ पे अटैक हुआ। तो बच्चों जो एनसीईआरटी पास बच्चों ये अच्छे से पढ़ना, ये आपका काफी ज्यादा आई पार्ट है। बाकी बच्चों आपने अल्कलेशन के बारे में पढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो, ब्रोमेशन कर रहे हैं मिथो एनिसोल का ब्रोमेशन कर रहे हैं, ऑर्थोपेरा नाइट्रेशन कर रहे हैं ऑर्थोपेरा, और पैराला मेजर बन रहे हैं, का ब्रेशन कराया मिथाइल जाए तो ऑर्थो जोड़े, तो ये आपको तो पैरा पे जुड़ेगा। फिर हमने किया इसका एसिटाइलेशन ऑर्थो पे या तो पैरा पे, बस और कुछ नहीं, ये पार्ट है। तो मेरा कहना मतलब कुछ, अगेन रीजन को पढ़िए, आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन क्लास ज्वाइन करते हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, और ब्रेक लीजिए और फिर आपका क्लास भी होगा, राइट बच्चों। अपना ख्याल रखना, बाबा अपना ख्याल रखो, ठीक है, थैंक बार यू बार सर। रिवाइजिंग कीजिए, ओके बाय बाय, ठीक है। थैंक यू सर।